नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो हिंदी सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की अदाकारी और खूबसूरती का जादू आज भी कायम है। बेशक आज मीना कुमारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पाकीजा, साहिब बीबी और गुलाम और दिल एक मंदिर जैसी उनकी शानदार फिल्में आज भी दर्शकों की फेवरेट हैं। मीना कुमारी जितना अपने काम को लेकर सुर्खियों में रही हैं, उतनी ही वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। आज हम आपको एक्ट्रेस से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मीना कुमारी को जन्म से ही दुख भोगने पड़े थे। बेहद ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि मीना कुमारी के जन्म के बाद उनके पिता अली बख्श उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे। दरअसल उनके पिता की पहली से ही दो बेटियाँ थीं। वहीं जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो वे काफ़ी दुखी हो गए थे। बताया जाता है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो उस वक्त उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी। आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता उन्हें किसी मुस्लिम अनाथालय के बाहर छोड़ गए थे, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही वे उन्हें वहां से वापस भी ले आए थे। दोस्तों, मीना कुमारी का बचपन ही नहीं बल्कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है। मीना कुमारी ने मशहूर फिल्मकार कमाल को अपना दिल दे दिया था। दोनों की मुलाकात फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक साल के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली थी। मीना कुमारी की ये पहली शादी थी, लेकिन कमाल की ये तीसरी शादी थी। 12 साल तक कमाल और मीना कुमारी का रिश्ता चला और बाद में दोनों की शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कमाल ने 3 तलाक कहकर मीना कुमारी से तलाक भी ले लिया था। दोस्तों, पति कमाल से अलग होने के बाद मीना कुमारी शराब पीने लगी थी, जिसकी वजह से उनका लीवर कमज़ोर होता चला गया था। अधिक शराब पीने की वजह से मीना कुमारी बीमार पड़ने लगी थी और 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी का देहांत हो गया था। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।